सकते हैं आप सभी लोगों की पहाड़ियों की गोद में बसा ये तारीख शहर अजमेर, जो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की इतनी बड़ी शान है कि ये अजमेर शरीफ उनके नाम से चमकता है, महकता है, दमकता है। जहाँ भी जाएंगे आप, आपको हर कोई बताएगा कि ये अजमेर शरीफ ख्वाजा गरीब नवाज चिश्ती की दरगाह अजमेर शरीफ का है। तो ये अजमेर शरीफ, ये ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की वजह से ये अजमेर का नाम रोशन हुआ है। और यहाँ हमारे ख्वाजा गरीब नवाज ने बहुत सारी करामातें दिखाई हैं, बहुत से दुखियों को उनको सहारा दिया है, बहुत से परेशान लोगों को उनको सहारा दिया है, और बहुत सी उन्होंने यहाँ आकर परेशानियों की परेशानियाँ हटाई हैं, दुखियों के दुख हटाए हैं। तभी से ये हमारे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती यहाँ हिंदुस्तान के राजा कहलाए हैं। तहरीन अस्सलाम वालेकुम, आइए आपको लेकर चलते हैं तारागढ़ पहाड़ी के ऊपर, जो मीरा सैयद हुसैन साहब की दरगाह है, उस दरगाह पर चलते हैं और दरगाह का भी आपको दीदार कराएंगे। और वहाँ के पास में एक लगा है टावर, अगर हो सका तो वो भी दिखलाएंगे। और फिलहाल काफ़ी ऊंचाई से आ चुके हैं, आप पीछे का नज़ारा तो देख ही चुके हैं काफ़ी समय से। देखिए कितना ऊंचा पहाड़ है, और कैमरा जो है इतना साफ नहीं चल रहा है क्योंकि ऊपर बादल है। ये रास्ता है और अभी हम जाएंगे, इस रास्ते से जाएंगे जो आपको थोड़ा थोड़ा दिख रहा है, काफ़ी ऊपर पहुंच चुके हैं। तो इसी तरीके से हमारे वीडियो में बने रहें एंड तक, तो आपको मीरा सैयद हुसैन साहब की दरगाह का भी नज़ारा कराएंगे। उसके बाद एक वीडियो और बनाएंगे जिसमें हम आपको दिखाएंगे जो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के ऊपर जो पत्थर जादूगर अजय पाल ने फेंका था, तो वो पत्थर जो अभी लटका हुआ है वो पत्थर दिखाएँगे आपको, ठीक है। आप देख सकते हैं मैं काफ़ी ऊपर पहाड़ी पर चढ़ चुका हूँ, अभी मीरा सैयद हुसैन साहब की दरगाह तक नहीं पहुँच पाया हूँ, काफ़ी दूरी पे है। तो आप पीछे का रास्ता देखिए, इस साइड से मैं आया हूँ और पीछे काफ़ी रास्ता है और वो दिख नहीं रहा है मोबाइल में ना, साफ पीछे देखिए इस तरीके से आना है और आपको मीरा सैयद हुसैन साहब की दरगाह तक लेकर चलना है। आप इसी तरीके की वीडियो देखने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। देखिएगा पीछे का नज़ारा कुछ इस तरीके से है, काफ़ी ऊंचाई है यहाँ पर। यहाँ पर कोई दुकान है, कोई भी चीज़ खरीद सकते हैं आप, इस तरीके से जगह जगह पर दुकानें लगी रखी हैं। इन दुकानों से ये है कि आप कोई भी सौदा खरीद लें यहाँ से। और अभी जो मैं वीडियो बना रहा हूँ, ये भी फ्रेम मैंने यहीं से ख़रीदा है, देख सकते हैं आप। दीदार कराते हैं थोड़ा नज़दीक से, देखिए ये किला आपको दिख रहा होगा, ऊपर एक टावर है। ये किला पृथ्वीराज चौहान, यहाँ पर पहले इनका शासन चलता था पृथ्वीराज चौहान का, तो उन्होंने ये किला बनवाया था। ये घोड़े भी हैं यहाँ पर, साथ में सेल्फी ले सकते हैं। पीछे का नज़ारा भी देखिए, आइए आपको लेकर चलते हैं थोड़ा ऊपर, ऊपर आपको दिखाएंगे थोड़ा नज़ारा। इधर देखिएगा ऊपर, और इधर कुछ लोग कान लगाए हुए हैं दीवार पर, वो बोलते हैं कि यहाँ पर घोड़े की टाप की आवाज़ आती है। आइए आपको नज़दीक से सुनाते हैं कि घोड़े की टाप क्या होती है। यहाँ पर खाई है, इसमें पानी भरा हुआ है। अगर आप
अजमेर से हैं या अजमेर से कहीं दूर से हैं तो इस समय मैं अजमेर शरीफ यहाँ आया हुआ हूँ। लिंक में अपना कमेंट बताएं तो अगर कोई वीडियो होगा तो मैं प्लीज़ उसको बनाने की कोशिश करूँगा। ऊपर नज़ारा और अभी हम चलते हैं ऊपर जो दिख रहा है किला यानी कि पृथ्वीराज चौहान का, वहीं पर आपको नज़ारा कराते हैं। उसके बाद में जैसे जैसे आपको लगना होगा